हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल दोष को पढ़ा था, ठीक है। तो आज अपने पास जो टॉपिक है उसी के क्रिस्टल दोष को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो क्रिस्टल दोष में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्रिस्टल दोष होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है और दूसरा बिंदु या परमाणवीय दोष होता है। दो प्रकार के दोष होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष इलेक्ट्रॉनों के कारण और बिंदु और परमाणवीय दोष परमाणु या अवयवी कणों के कारण उत्पन्न होता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपने पास टॉपिक था कि दोष को अपने आगे दो प्रकार से और डिवाइड किया था, एक स्टोइकियोमेट्री और एक नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि क्रिस्टल दोष उत्पन्न होने के बाद भी जो धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायन है, उनका रेशियो वही बना रहता है जो पहले से आणविक सूत्र में बना था या बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपने स्टोइकियोमेट्री दोष है। तो इस स्टोइकियोमेट्री दोष के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी एक आणविक सूत्र है, जैसे Fe2O3 हो गया, तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और दोष उत्पन्न होने के बाद में जो ये अनुपात होता है वो बिगड़ जाता है, यानी ये जो अनुपात होता है ये 2:3 नहीं बना रहता, या तो ये कम हो जाएगा या ये ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। हालांकि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष आखिर होता क्या है, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष देखिए किस तरीके से उत्पन्न होता है और कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इनके प्रकारों का वर्णन करते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये दो प्रकार का हो गया, तो पहला अपने पास हो गया इसके अंदर धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, ठीक है। और दूसरा हो गया धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, ये दो प्रकार का हो गया। देखिए आप पहले समझिए इस बात को। मान लीजिए अपने पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस है या यूनिट सेल है, उसमें केटायन और एनायन इस तरीके से प्रेजेंट है, जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। इसी तरीके से अपने इसको और बना लेते हैं, जैसे ये बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। अब इसमें क्या है कि ए के पॉजिटिव जो धातु है वो है 6, और इसी प्रकार से जो ए धातु परमाणु है या बी नेगेटिव है वो भी 6, यानी इनका रेशियो 1:1 है। अगर किसी कारणवश यहाँ से एक केटायन बाहर निकल जाए, जैसे ये बी नेगेटिव क्या निकल गया, बाहर निकल गया, अगर ये बाहर निकल गया तो ये जो अनुपात है वो 6:5 हो गया, ठीक है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष हो गया। अब इसके अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज मेटल पर होता है, तो मेटल क्या होगी इस क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा होगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, धातु आधिक्य दोष। और इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे ये बी नेगेटिव है वो अपनी जगह पे जस ज्यों का त्यों बड़ा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए कोई भी केटायन अपने क्रिस्टल लैटिस को, धनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो अब इसके अंदर देखिए कि जो केटायन, केटायन की संख्या है वो एनायन के कंपेरिजन में कम होगी, धनायन कम हो गए तो धनायन धातु पर होता है, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए, एक धातु आधिक्य दोष और ये धातु न्यूनता दोष, ठीक है। अब देखिए ये किस कारण उत्पन्न होते हैं, आखिर इनका रीजन क्या है। तो रीजन अपने पढ़ते हैं कि देखिए ये किस कारण से उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा सिंपल सी भाषा के अंदर कि धातु आधिक्य दोष का रीजन क्या है। तो जैसे मान लीजिए अपने इसको इस बात से समझ लें कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये हो गया, इसमें दो धातु है, दो ए धातु है, दो कैटायन दो एनायन। अब देखिए किसी भी कारणवश अगर क्रिस्टल जालक, यहाँ से क्रिस्टल जालक में से ऋणायन क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो ये धातु आधिक्य दोष है।
और यहाँ पे ये क्या बन गई, रिक्ति। और रिक्ति कौन सी रिक्ति बन गई, चूंकि यहाँ से क्या हुआ है, ऋणायन बाहर निकला है, तो ऋणायनिक रिक्ति बनने से कौन सी रिक्ति, ऋणायनिक रिक्ति बनने से क्या होता है, धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है। अब इस चीज को आप रिवर्स कर दीजिए, कैसे रिवर्स कर दीजिए, जैसे मान लीजिए अपने पास ये बी नेगेटिव है, ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि धातु अधिक दोष एक तो ऋणायनिक रिक्ति बनने से उत्पन्न हो गया, दूसरी चीज अब ये देखो चारों अवयवीकरण एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए, इनके बीच में ये खाली जगह है। अगर बाहर से कोई भी केटायन जैसे ए पॉजिटिव मान लीजिए ये हो गया, ये किसी वजह से कहाँ पे आ गया, क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ गया, तो इसमें तीन धातु होगी और दो ए धातु होगी, ठीक है। तो ये किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो दूसरा हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि धातु अधिक दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो किस कारण, अतिरिक्त धनायन। अतिरिक्त धनायन कौन है, जो बाहर से आया है ये वाला, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी सतलों में आने से, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी सतलों में आने से, यानी अतिरिक्त धनायन जब अंतराकाशी सतलों में आ जाएगा तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए धातु न्यूनता दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसके भी कारण को समझिए आप, इसका रीजन क्या है, तो इसका भी अपने रीजन पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसी चीज को आप दोबारा से फॉलो कर लीजिए, जैसे क्रिस्टल लैटिस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। अब देखो बेटा धातु न्यूनता दोष कैसे उत्पन्न होगा, धातु को अपने को कम करना है, तो धातु क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या निकलगी, बाहर निकलगी, ये आ गई बाहर, यहाँ पे क्या बन गई, ये रिक्ति। और रिक्ति कौन सी, चूंकि यहाँ से कौन सा आयन बाहर निकला है, धनायन, तो ये इस रिक्ति का नाम क्या हो गया, धनायनिक रिक्ति। यानी पहला धातु न्यूनता दोष किस कारण उत्पन्न हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे धनायनिक रिक्ति बनने से, धनायनिक रिक्ति बनने से कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा से देखें कि दूसरा धातु न्यूनता दोष किस कारण उत्पन्न हो सकता है, तो दूसरा धातु न्यूनता दोष है वो इस कारण से उत्पन्न हो सकता है कि बाहर अगर कोई भी ऋणायन है, जैसे ये बी नेगेटिव है, तो अगर ये अंतराकाशीय सतलों में आ जाए, जैसे बाहर से ये कोई ऋणायन प्रेजेंट है बेटा और ये अंतराकाशीय सतल है, इस सतल के अंदर अगर कोई ऋणायन आ गया तो कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, धातु न्यूनता दोष, जिसको हम लिख देंगे कि अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से, तो ये किस कारण उत्पन्न हुआ, तो दूसरा लिखिए अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से, अंतराकाशीय सतलों में आने से, ठीक है, तो ये धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। यानी कहने का मतलब देखो इस पूरी बात का रिजल्ट क्या निकला है, आपको ये चीज मैंने समझाने के लिए बताई है, आपको ध्यान कितना रखना है, आपको ध्यान इतना ही रखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है, जिसमें क्रिस्टल दोष उत्पन्न होने के बाद में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात वह नहीं बना रहता जो आणविक सूत्र में होता है। और ये कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक धातु अधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष किस कारण से उत्पन्न होता है, ऋणायनिक रिक्ति बनने से या अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। इसी तरीके से धातु न्यूनता दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो धनायनिक रिक्ति बनने से और अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से। अब देखिए अपने इन चारों को आप लिख लेना अच्छे से। अब देखो इनके पढ़ते हैं अपने उदाहरण कि इनको अप्लाई करते हैं अपने और कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उस चीज़ को आप ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ऋणायनिक रिक्ति कैसे बनेगी, उदाहरण लेते हैं अपने NaCl के क्रिस्टल लैटिस का, किसका लेते हैं, NaCl के क्रिस्टल लैटिस का, और NaCl किस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं अगर NaCl की बात करूँ तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव
एन ए पॉजिटिव, सी एल नेगेटिव, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, सी एल नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव, इसको आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसको आप ऐसे बना लेना। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है NaCl का क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। जब अपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसको अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिसको इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब अपने इसको गर्म करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस से कोई भी ऋणायन या क्लोराइड आयन बोल देंगे अपने, क्लोराइड आयन जो होता है वो अपना ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है और क्रिस्टल जालक से क्या आ जाता है, 1/2 Cl2 की फॉर्म में बाहर आ जाता है। बाहर इसलिए आ जाता है क्योंकि सोडियम की वाष्प है। देखिए इसको समझिए, सोडियम की वाष्प है। अब आपको पता है सोडियम वाष्प अवस्था में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये सोडियम पॉजिटिव प्लस है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सतह पर होता है, सतह पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और सोडियम किस फॉर्म में है, वाष्प अवस्था में है, जो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे अपने इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो क्लोराइड के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2, 8 और 8 है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1/2 Cl2 बना लेगा और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए। इस इलेक्ट्रॉन को ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ये इसी जगह पे छोड़ देता है और Cl2 1/2 Cl2 की फॉर्म में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, ये Na पॉजिटिव है जिसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। तो Na पॉजिटिव और 1/2 Cl2 एक इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा से सतह के ऊपर क्या बना लेंगे, सतह के ऊपर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है, लिखना नहीं है, लिखोगे क्या कुछ वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, NaG गैसीय अवस्था में या वाष्प अवस्था में है। ठीक है, तो जब अपने इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़कर क्रिस्टल लैटिस से क्या निकल गया, बाहर, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, NaCl। ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है अप के अंदर, अप सेंटर नाम होता है इसका। अप होता है वो एक जर्मन शब्द है, अप कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है एक जिसका नाम है फोरबेनजेटर। क्या नाम है, फोरबेनजेटर, फोरबेनजेटर से लिया गया है ये, और इसको अपने बोलते हैं अफ के अंदर। और जिसका अपने हिंदी भाषा के अंदर अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है हिंदी भाषा में रंग केंद्र। रंग केंद्र क्यों, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया ये क्या करता है, सूर्य से श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है। ये अपने पास सनलाइट है, सनलाइट से क्या करेगा, ये श्वेत प्रकाश का अवशोषण करेगा। अवशोषण करके ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो उचित तरंग दैर्ध्य के, या जो उचित तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और ये जिस तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करता है अपने को ये क्रिस्टल उसी रंग का दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब जो NaCl है उसमें अगर धातु आदि के दोष उत्पन्न हुआ तो NaCl का रंग है, जो क्रिस्टल है का रंग है, वो दोष उत्पन्न होने के कारण किस रंग का दिखाई देने लग जाएगा, पीले रंग का। और ये आपने मेजर किया भी होगा कभी, अगर अपने नमक को काफ़ी समय तक लगातार धूप में रखे रखते हैं तो उसका रंग पीला पड़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है, धातु आदि के दोष, और किस कारण से उत्पन्न होता है, ऋणायनिक रिक्ति बनने के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपसे ये पूछे कि सोडियम क्लोराइड का पीला रंग
क्यों हो जाता है, तो इसको हम क्या बताएंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं तो क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को, रिक्ति में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, अफ केंद्र बोलते हैं, जहां पे अफ जर्मन भाषा के शब्द फोरबेन जेटर से लिया गया, और इस फोरबेन जेटर का मतलब क्या होता है, रंग केंद्र होता है। रंग केंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से जिस तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करता है, अपने को क्रिस्टल जालक अवशोषित करता है, सॉरी, जिस तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करता है क्रिस्टल जालक उसी रंग का दिखाई देता है। तो NaCl का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। इसी तरीके से अगर अपने लिथियम क्लोराइड को लें तो लिथियम क्लोराइड का जो रंग होगा वो गुलाबी रंग हो जाता है, ठीक है, और जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका रंग बैंगनी हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। अगर आपसे सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछे कि सोडियम क्लोराइड का पीला रंग क्यों हो जाता है, तो सोडियम आयन की अधिकता के कारण, धातु अधिक के दोष है। गुलाबी रंग लिथियम क्लोराइड का क्यों हो जाता है, लिथियम आयन की अधिकता के कारण। और पोटेशियम क्लोराइड का बैंगनी रंग क्यों हो जाता है, पोटेशियम आयन की अधिकता के कारण। और ये किस प्रकार के दोष है, धातु अधिक के दोष है जो ऋणायनिक रिक्ति के बनने के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है और इसको समझना है, लिखना क्या है जो मैंने पीछे आपको बोल के बताया, और ये तीन बातें आपको इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया धातु अधिक्य दोष जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ऋणायनिक रिक्ति बनने के कारण। अब देखिए दूसरा क्या है कि अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से। अब देखिए अतिरिक्त धनायन है वो अंतराकाशीय सतलों में कैसे आ जाते हैं, तो इसका उदाहरण लेता हूँ मैं, उदाहरण के रूप में अपने लेते हैं ZnO को, जिंक ऑक्साइड ठोस अवस्था में, जिसका जो रंग होता है वो अक्सर सफ़ेद होता है, ठीक है। लगातार जब अपने इसको धूप के अंदर रखते हैं तो ये Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से 1/2 ऑक्सीजन निकल जाती है गैस की फॉर्म में, और प्लस में क्या बच जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये ZnO का क्रिस्टल है, ये किसका क्रिस्टल है, ZnO का, वैसे ही बना लीजिए Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। जब अपने ZnO के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ से मुक्त हो जाती है, इस क्रिस्टल लैटिस से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ठीक है। और ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये Zn2 पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय सतलों के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब क्रिस्टल के ऊपर आवेश देखो, आवेश 2 पॉजिटिव बढ़ गया, इस 2 पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन जो Zn ने त्यागे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय सतलों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोष इस वजह से उत्पन्न होता है, और अक्सर इन दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो Zn का रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है, दूसरा रंग हो जाता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड का सफ़ेद से रंग दूसर हो जाता है, या तापमान देने पर या धूप में रखने पर इसका रंग दूसर हो जाता है, कारण क्या है इसका, या ये किस प्रकार का दोष है, तो ये एक प्रकार का धातु अधिक्य दोष है जो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से होता है। जब ZnO के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाती है, और Zn2 पॉजिटिव आयन, अतिरिक्त Zn2 पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय सतलों में आ जाते हैं। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय सतलों में
आ जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका रंग दूसरा हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के बाद में ये कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा दोष हो गया, धातु आधिक्य दोष, जिसके अंदर आपको ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो देखिए अपने इस चीज को यहीं पे समझ लेते हैं। धातु न्यूनता दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो पहले चीज अपने इस बात को समझते हैं। ठीक है, धातु न्यूनता दोष धनायनिक रिक्ति बनने से। अब ये किसके अंदर उत्पन्न होता है, तो इसके लिए बेटा एक शर्त है, और शर्त क्या है कि ये उन्हीं धातुओं के क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील हो, ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील हो, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया। जैसे आयरन होता है आपकी टू पॉजिटिव भी शो करता है और आयरन आपकी थ्री पॉजिटिव भी शो करता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो परिवर्तनशील है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अपने बताएंगे कैसे इस चीज को। मान लीजिए अपने पास क्या है, अफी ई एस है, फेरस सल्फाइड है, इसमें अफी कितने पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव, और सल्फर कितने है, टू नेगेटिव, ये आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अपने इसको क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, एक अफी टू पॉजिटिव, ऑक्सीजन सॉरी सल्फाइड टू नेगेटिव, अफी टू पॉजिटिव, ऑक्सीजन टू नेगेटिव, ये क्रिस्टल बना लेना आप इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इस क्रिस्टल को जब अपने गर्म करते हैं, इस क्रिस्टल को जब अपने गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा कि कोई भी एक आयन, जैसे मान लीजिए ये वाला आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल गया, ये या फिर टू पॉजिटिव क्रिस्टल जालक को क्या छोड़कर बाहर निकल जाता है, ये निकल गया बाहर। ठीक है, अब बाहर निकल गया तो आप इसको अच्छे से समझना, बाहर निकल गया, पहले अपने पास जो धनायन थे एक दो तीन चार पाँच और छः, और छः दुनी बारह पॉजिटिव थे। ठीक है, सल्फर के ऊपर कितना आवेश है, सल्फर के ऊपर टू नेगेटिव है, और सल्फर के आयन कितने हैं, छः आयन है सल्फर के ऊपर, सल्फर के जो आयन है वो छः आयन है, तो 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, यानी क्रिस्टल था वो विद्युत रूप से क्या था, उदासीन था, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, आवेश आ गया, आवेश कितना आ गया, 2 पॉजिटिव बाहर निकल गया, 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब क्या होता है कि इसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए जो ये अफी 2 पॉजिटिव है पास वाला, ये अफी 3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक इसी तरीके से ये भी अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और अफी 2 पॉजिटिव से कितना बना लेगा, ये अफी 3 पॉजिटिव बना लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब देखिए ये 12 पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्रिस्टल तो विद्युत रूप से उदासीन हो गया, परंतु इसमें घटना क्या हुई है कि जो अफी 2 पॉजिटिव थे, फेरस आयन थे, वो फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जिसने क्या किया, टोटल यहाँ पे इतने से क्रिस्टल ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अन्य धातुओं के द्वारा कभी ग्रहण कर लिए जाते हैं और कभी त्याग कर दिए जाते हैं, यानी कभी ये, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इधर वाला अफी 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये तो अफी 3 पॉजिटिव में, और ये इसको ग्रहण कर लेगा तो ये वापस से अफी 2 पॉजिटिव में, यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंतर परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन अंतर परिवर्तन होता है, अंतः परिवर्तन होता है, अंतः परिवर्तन होता है,
और इसी इलेक्ट्रॉनिक अंतः परिवर्तन के कारण इसके अंदर चमक उत्पन्न होती है। इसी इलेक्ट्रॉनिक अंतर परिवर्तन के कारण इसमें क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, यानी कभी फेरस आयन फेरिक में और कभी फेरिक आयन फेरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक अंतर परिवर्तन होता है। अंतः परिवर्तन की वजह से ही इसमें एक चमक या रंग उत्पन्न होता है, और इसी चमक की वजह से जो अफी एस है, इस अफी एस का रंग जो होता है वो सोने जैसी चमक देता है। तो अफी सोने जैसी चमक देता है, और इसी चमक की वजह से अफी एस को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। अफी एस को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना। यानी ये इस प्रकार के धातु न्यूनता दोष जो दनायनिक रिक्ति बनने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से जो अफी एस है वो सोने जैसी चमक देता है, जिसके कारण इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो धातु न्यूनता दोष है ये उन्हीं के अंदर उत्पन्न होता है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, परिवर्तनशील हो। ठीक है, दोबारा से समझिए इस चीज़ को। अपने पास अफी टू पॉजिटिव के सारे आयन थे क्रिस्टल के अंदर। जब हमने इसको गर्म किया तो एक अफी टू पॉजिटिव आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल गया। अगर ये बाहर निकल गया तो क्रिस्टल लैटिस के ऊपर पॉजिटिव बाहर निकला है तो ऋणात्मक आवेश आ गया। इस ऋणात्मक आवेश को उदासीन करने के लिए जो फेरस आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरिक आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेरिक आयनों में कन्वर्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें चमक उत्पन्न होती है क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये अफी एस का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे भी बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, जैसे MnO हो गया, अफी हो गया, ये बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं जिसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, परिवर्तनशील हो, उन सभी के अंदर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अफी एस को मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि अफी एस में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है जो धनायनिक रिक्ति बनने से उत्पन्न होता है। चूंकि इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है और इलेक्ट्रॉन अंतः परिवर्तन के कारण सोने जैसी चमक उत्पन्न होती है, इसलिए अफी एस को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको आप लिख लेना और अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लास्ट जो इसका पार्ट बन गया वो बन गया कि धातु न्यूनता दोष है वो दूसरा उत्पन्न होने का कारण क्या है, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय सतलों में आने से, और अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय सतलों में। अब आपको पता है ऋणायन का जो आकार होता है वो मोर ग्रेटर देन होता है धनायन से। ठीक है, अब धनायन का आकार है वो छोटा है और ऋणायन का आकार क्या है, बड़ा है। तो इनके बीच में जो कुछ खाली जगह बच गई इसमें बड़े आकार का ऋणायन है वो आना संभव नहीं है, और अगर संभव नहीं है तो इस प्रकार के दोष पाए जाने की जो संभावना है वो नगण्य पाई जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि धातु न्यूनता दोष जो अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय सतहों में आने से उत्पन्न होता है, उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है या इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की जो संभावना है वो संभावना बहुत कम होती है। कम क्यों होती है, कम इसलिए होती है क्योंकि ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा होता है, जिसकी वजह से ऋणायन अंतराकाशीय सतलों में प्रवेश नहीं कर सकता, तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लास्ट अपने पास एक छोटा सा दोष का प्रकार और बन गया जिसको हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अशुद्धि दोष क्या होता है, छोटी सी बात है। मान लीजिए अपने पास NaCl है और ये NaCl का क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, जिसमें NaCl इस तरीके से प्रेजेंट है, NaCl इस तरीके से प्रेजेंट है, वो आप बना लोगे, ये हो गया Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, जब अपने NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, गर्म इसको अगर अपने ज़्यादा देर तक हीट करेंगे तो कोई भी दो धनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दो धनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और जो ये रिक्ति बन गई इसका नाम क्या हो गया, धनायनिक
रिक्ति, और सोडियम क्लोराइड को अपने मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, स्ट्रोंसियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर अपने गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, SR2 पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट अपने पास जो दोष आता है वो आता है अशुद्धि दोष। अब अशुद्धि दोष के अंदर क्या होता है कि अपने उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हो गया जैसे NaCl हो गया, ठीक है। अब NaCl का क्रिस्टल किस तरीके से प्रेजेंट है, जैसा कि हमने कई बार बना लिया इसको, NaCl का क्रिस्टल इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट है। अब देखिए जब अपने इसको ज़्यादा देर तक हीट करते हैं, इसको लगातार अगर अपने गर्म करते रहें तो कोई भी दो धातु आयन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर क्रिस्टल जालक से या क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ये दोनों सोडियम आयन बाहर निकल गए। अब क्या होता है, इसको अपने गर्म कर रहे हैं, वो गर्म किसकी उपस्थिति के अंदर कर रहे हैं, SRCl2 स्ट्रोंसियम क्लोराइड की प्रेजेंस में या बेरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तो SR2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन नेगेटिव, ये SR2 पॉजिटिव है। अब देखिए ये क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसकी ऋणात्मकता को उदासीन करने के लिए, विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए ये स्ट्रोंसियम आयन हो गया, वो इन धनायनिक रिक्तियों में आ जाएगा। कौन सी रिक्तियों में आ जाएगा, धनायनिक रिक्तियों में आ जाएगा। दो सोडियम आयन निकले हैं तो दो धनायनिक रिक्तियां बन गई, जिसमें से एक की जगह पे कौन आ गया, स्ट्रोंसियम। चूंकि ये क्रिस्टल लैटिस तो उदासीन हो गया, परंतु यहां पे एक रिक्ति बच गई। इस प्रकार के दोष को हम क्या नाम देते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं। अशुद्धि दोष क्यों, क्योंकि अपने पास था बेटा NaCl। अब NaCl के अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के आयन प्रेजेंट है जो प्योर है, परंतु यहाँ पे इन दो आयनों के, दो आयनों की उपस्थिति में कोई तीसरा आयन आ गया, जिसको हम बोलेंगे ये स्ट्रोंसियम की क्या होगी इस क्रिस्टल के अंदर, अशुद्धि। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या, कौन सा दोष बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं, जिसमें दो धनायन बाहर निकले हैं, जिसकी एक की जगह पे तो स्ट्रोंसियम आ गया लेकिन दूसरी रिक्ति अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं। तो अपने क्रिस्टल दोष है वो कंप्लीट हो गए। क्रिस्टल दोष के अंदर हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु या परमाणवीय दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष में आपको N और P प्रकार के अर्धचालक बताए थे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तो आपको दोबारा बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर अपने पास था बिंदु या परमाणवीय दोष, जिसमें रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष, उसको आप राइट डाउन कर लेना और लिख लेना। उसके बाद में स्टोइकियोमेट्री था, जिसमें शोटके और फ्रेंकल दोष पढ़े थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि शोटके और फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए, या शोटके और फ्रेंकल दोष के लिए शर्तें क्या होती है, ठीक है, कौन सा ऐसा यौगिक है जो शोटके और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। तीसरा अपने पास था नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसमें अभी हमने पढ़े थे दो, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होने के कितने कारण थे, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने के कितने कारण थे, और प्रत्येक का हमने यहाँ पे उदाहरण पढ़ाया। और लास्ट क्रिस्टल दोष के अंदर हमने क्या पढ़ाया, अशुद्धि दोष। तो दोष के अंदर आप अच्छे से तैयार कर लेना इन दोषों को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण, ठीक है। थैंक यू।